हेलो फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से IAS या PCS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ उसे डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 24वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न करेवा मिट्टी के बारे में है। प्रश्न क्या कहता है, करेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है वे कश्मीर और जम्मू की घाटी में जमा है। दूसरा कथन कहता है वे रेत, गाद मिट्टी, सेल मिट्टी, लिग्नाइट, बजरी, लोबिक तलछट से बने होते हैं। तीसरा कथन कहता है वे केसर, बादाम, अखरोट, सेब और बागों की खेती में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें करेवा मिट्टी के बारे में तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। करेवा मिट्टी के बारे में UPSC ने प्रश्न पूछा है, पूरी संभावना है, हमेशा ये न्यूज़ में बनी रहती है। जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं आप उनको इकट्ठा कर लें, उसका अध्ययन कर लें, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2019 से लगातार जम्मू कश्मीर न्यूज़ में बना हुआ है। अगर हम बात करें करेवा मिट्टी के बारे में तो ये वर्तमान जम्मू और कश्मीर की घाटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ग्रेट हिमालय और पीर पंचाल का जो क्षेत्र है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। ग्रेट हिमालय और उसके नीचे पीर पंचाल, उनके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर करेवा मिट्टी पाया जाता है। ये मुख्य रूप से आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले जब प्लेस्टोनिक काल का दौर था उसी समय स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट कहने का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र में मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा जल होता है तो उसके नीचे, उस जल वाले के नीचे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही पीट मिट्टी कहा जाता है। तो जो करेवा मिट्टी है उसमें जीवाश्म और पीट के अवशेष देखे जा सकते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये काफ़ी उपजाऊ होती है। जब प्लेस्टोनिक काल था उस समय इस क्षेत्र का निर्माण होता है क्योंकि जो पीर पंजाल का इलाका है वो प्लेस्टोनिक काल से पहले पूरी तरह से पानी से ढका हुआ था, लेकिन यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने के बाद, अभिसारी होने के बाद पीर पंजाल का क्षेत्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और जो जल का स्तर है वो नीचे बैठ जाता है। जब ये स्थल क्षेत्र ऊपर उठता है तो इसमें बहुत सारे अवशेष बचे रह जाते हैं जिनमें रेत, गाद मिट्टी, सेल, लिग्नाइट, बजरी और लोबिक अवसाद थे और इन्हीं सबको मिलाकर करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। इनकी मोटाई लगभग 1400 मीटर के आसपास है। ये कृषि और बागवानी के क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और कुछ बागवानी फसलें का उत्पादन किया जाता है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, इसे भी आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के बारे में। पहला कथन क्या कहता है, दवाओं की बिक्री और वितरण का विनियमन इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, ये जो संस्थान है, ये जो संगठन है, इसका प्राथमिक दायित्व दवाओं की बिक्री और वितरण का नहीं है। इसका प्राथमिक दायित्व ये है कि भारत में यदि किसी दवा को ट्रायल किया जाना है तो उसकी अनुमति देता है ये संगठन, यानी कि CDSCO। ये जो संस्थान है वो भारत में किसी भी दवा के ट्रायल के लिए अनुमति देता है। कोरोना वायरस के लिए अनेक बार बहुत सारे दवाओं का ट्रायल शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो जा रहे हैं, कुछ का ट्रायल चल ही रहा है, तो ये सारी अनुमति किसके द्वारा दी जा रही है, तो आप याद रखेंगे CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन।
इसलिए ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा कथन, पहला कथन तो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि इसका क्या दायित्व है मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। आप इसे याद रख लें कि CDCSO जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। अगला कहता है यह भारतीय फार्माकूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक है। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई वस्तु है या तो दवा है विदेशों से मंगाया जा रहा है, तो भारत में उसे बेचने से पहले उसके स्टैंडर्ड को चेक कौन करेगा? इसी संस्थान के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए जो भी फार्माकोटिकल चीज़ें होती हैं या फिर चिकित्सीय उपकरण होते हैं उनको नियमन करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जिस संस्थान का चयन किया गया है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सही पूछा गया था इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखें। इसके बारे में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका कार्य क्या है। तो ये इसके कार्य को यदि हम देखें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत भारत में जितने भी दवाओं जो नए दवा होते हैं उनको मंजूरी देना, क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देना, इन सारे चीज़ों का कार्य इसी संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 6 जोनल और 4 सब जोनल कार्यालय हैं। इन सब का मिलाकर ये पूरे देश में भारतीय लोगों के स्वास्थ्य और उनके सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य मिशन यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, गुणवत्ता को बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के क्षेत्र में ये कार्य करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से एक्ट के माध्यम से कार्य करता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया था, और इसी से संबंधित जो रूल यानी कि नियम बनाए गए थे 1945 में, उसके तहत ये संस्थान, ये संगठन कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़े चुने। यहाँ पर एक तरफ मिसाइल और समझौता दिया गया है, दूसरे तरफ संबंध देश दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कहता है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बताता है कि ये इजराइल के साथ है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसी संस्थान मतलब इसी देश के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, काफ़ी शक्तिशाली है। यही वो वजह है कि इजराइल पूरे के पूरे पश्चिम एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व रखता है, सैन्य मामलों में अपने आप को मजबूती से खड़ा करने में सक्षम है। दूसरा कहता है तर्सिकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये बताता है ईरान का है। ये गलत है क्योंकि ये रूस का है। हार्फून मिसाइल यूएस का बताता है, ये बिल्कुल सही है। S-400 मिसाइल बताता है ये रसिया का है, ये भी बिल्कुल सही है। सही पूछा गया था, ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि दूसरा गलत है, ये रूस का है। लगातार ये न्यूज़ में बने रहते हैं फ्रेंड्स और काफ़ी महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र के हिसाब से। हमारे सिलेबस के GS पेपर 3 से आप जोड़ कर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी S-400 को लेकर रसिया और चीन के बीच में फिर से अभी तनातनी शुरू हो गई है। रूस का कहना है कि अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, चीन का कहना है कि जल्दी दे दो, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको इस अधिनियम के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। अधिनियम एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से UPSC हर साल लगभग 2 प्रश्न पूछती है, करेंट और जो अधिनियम पुराने रहे हैं जो लगातार बने हुए हैं उन दोनों को मिलाकर पूछती है। तो ये आप ध्यान रखें। पहला कथन क्या कहता है, यह किशोरों के लिए 16 से 18 आयु वर्ग के कानून के साथ संघर्ष में अनुमति देता है, जघन्य अपराधों में शामिल हैं जिन्हें वयस्क के रूप में माना जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से 18 साल के बीच का हो और
उसने कोई जघन्य अपराध किया हो, तो उस बच्चे पर जो भारत में वयस्क लोगों पर चलाए जाने वाले आपराधिक मामले हैं, उस मामले को चलाया जाए या फिर उसे जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत बच्चे के रूप में ट्रीट किया जाए, उसके लिए अनुमति इसी अधिनियम के माध्यम से दिया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन करने का प्रावधान करता है। यह बिल्कुल सही है, इसी अधिनियम के माध्यम से हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति गठित करने का प्रावधान किया गया था। ये इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम देखते हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मतलब जो 2015 में कानून आया बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए, उससे पहले भारत में बाल संरक्षण अधिनियम 2000 हुआ करता था। मतलब इस 2000 में ये कानून बनाया गया था, 2015 में जब बना तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस बिल ने कुछ संबंधित मुद्दे जैसे कि कानूनन कोई अपराध किया हो, किसी बच्चे ने यदि कोई कानूनन अपराध किया हो तो उनको देखभाल करने और उनको संरक्षण करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। मुख्य रूप से इसमें यही प्रावधान है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यही, यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल और 18 साल के बीच हो लेकिन वो जघन्य अपराध किया हुआ हो, तो उसे कौन से हिसाब से ट्रीट किया जाए? क्या उसे वयस्क कानून के हिसाब से किया जाए या फिर उसे एक बच्चा मानकर वयस्क कानून के अंतर्गत ना लाया जाए? उसके लिए अनुमति इसी के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसी बात को आपको सबसे पहले याद रखना है। इसी के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाए। इसी अधिनियम के तहत बच्चों के विरुद्ध अत्याचार, बच्चों को यदि किसी प्रकार का नशीला पदार्थ दिया जा रहा हो, यदि बच्चों को अपहरण कर लिया गया हो, बच्चों के संदर्भ में यदि कोई दंडात्मक प्रावधान किया जाना हो, तो ये इसी अधिनियम के अंतर्गत पहले देखा जाता है, विचार किया जाता है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। एक अन्य प्रावधान जो 2015 में जोड़ा गया था वो ये कि यदि कोई माता पिता हैं जिसके बच्चे नहीं हैं और उनको किसी बच्चे को गोद लेना है, तो गोद लेने के लिए उन माता पिताओं की योग्यता और जो प्रावधान किए गए हैं, कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उन पे वे माता पिता आते हैं कि नहीं आते हैं, उसको भी इसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। जो 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, उसमें एक संशोधन ये किया गया था कि जो प्रत्येक जिला का मजिस्ट्रेट होता है वो बच्चों के गोद लेने संबंधी सभी मामलों को देखरेख करेगा, क्योंकि जो इसके लिए जो संगठन का निर्माण किया गया था उस संगठन में और जो न्यायालय था उसमें लगातार इससे संबंधित बोझ बढ़ते जा रहे थे, तो जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिया गया कि गोद लेने से संबंधित जितने भी मामले हैं उससे आप निपटेंगे, ताकि केंद्रीय स्तर पर या फिर न्यायालयीय स्तर पर उससे संबंधित मामलों को कम किया जा सके, बोझ को कम किया जा सके। तो ये संशोधन किया गया था 2018 में, 2015 के कानून के अंतर्गत, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, वे ऋणदाताओं और बाजार के लिए एक आसान उपलब्धता के रूप में कार्य करते हैं और बड़े पैमाने पर नवीन वित्त ऋण उत्पादों का उपयोग और निर्माण करते हैं। इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, भारत में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रावधान किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी प्रावधान किया जाता है, बैंकों के द्वारा भी ऋण दिया जाता है, कुछ NBFC होती हैं उनके द्वारा भी दिया जाता है, कुछ निजी संस्थान के द्वारा भी दिया जाता है। तो इन सारे संस्थानों के द्वारा पूरे भारत में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को। तो क्या किया गया है, ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क के अंतर्गत कि जितने भी लोग भारत में ऋण उपलब्ध कराए रहे हैं उनको एक मंच पर लाया जाएगा,
ताकि ऋण से संबंधित कौन से नए नए प्रावधान किए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता है, किन लोगों को ऋण की आवश्यकता है, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो क्या क्या हैं, उन सारी चीजों को एक मंच पर लाया जाएगा। तो इससे सरकार को भी फायदा होगा, इससे जो ऋण उपलब्ध करा रहे हैं उनको भी फायदा होगा, और जिन लोगों को ऋण चाहिए उनको भी फायदा होगा। तो ये यही कह रहा था कि वे ऋणदाताओं और बाजारों के लिए आसान उपलब्धता के रूप में कार्य करते हैं। बड़े पैमाने पर नवीन वित्तीय ऋण उपलब्ध का उपयोग और निर्माण करते हैं। इसलिए पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था, ये गलत है। इसे यानी कि ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क को भारत में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है आई स्प्रिट, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था, न कि एमएसएमई मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि केवल पहला कथन जो है वो सही है। आपको यही पूछा जा सकता है, देखिए इसको आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने वहाँ लिखा है या फिर जो हमारी टीम ने बनाया है वो स्टेटमेंट पूछा जाएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप एक बार ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क को समझ जाते हैं तो फिर आप आसानी से इस प्रश्न का कुछ भी पूछा जाए आप उत्तर दे सकते हैं। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है इसे आप ध्यान रखेंगे, आई स्प्रिट यानी कि इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है यानी कि विकसित किया गया है। इसी तरह हमारा एक मिसलिनियस टॉपिक है वृक्षारोपण अभियान, आपको ये पूछा जा सकता है कि 2020 में वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सीधा सीधा कहेंगे कोयला मंत्रालय के द्वारा। ये इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए वृक्षारोपण है तो पर्यावरण मंत्रालय दे सकता है, कोई थिंक टैंक दे सकता है, लेकिन यदि कोयला मंत्रालय देगा ना तो ऑप्शन में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं नहीं कोयला मंत्रालय तो नहीं होगा, ये क्यों वृक्षारोपण का कार्य करेगी। सॉरी, तो आप ध्यान रखेंगे ये कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उन सारे क्षेत्रों में ये किए जाएंगे। इस एक प्रकार का एक मिसलिनियस टॉपिक और है भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षण। ये भारत में पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, मतलब भारत में नहीं, भारत मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा पहली बार किया गया था, पूरे विश्व के 20 देशों में इसे किया गया था। क्या है ये, एक प्रकार की ऐसी परीक्षा है जिसमें पूरे विश्व के जो छात्र हैं वो यदि भारत के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या फिर उनको छात्रवृत्ति चाहिए भारत में पढ़ने के लिए, तो वो इस परीक्षा को दें, इंडसेट इस परीक्षा को दें और इस परीक्षा में पास करें, उनके हिसाब से उनको छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी और भारत के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं वहां पर उनको दाखिला दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम था। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये क्या है, तो आप याद रखेंगे ये पूरे विश्व में लगभग 20 देशों में इस कार्यक्रम को, इस परीक्षा को आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति और स्कूल में एडमिशन, मतलब कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रावधान किया जाता है वो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। पीडीएफ का लिंक आपको दिया गया है नीचे, डाउनलोड कर लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, 2-3 बार याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।